बसम, जैसे कि आज रोहित बोमिला जी की 8वीं डेथ एनिवर्सरी है, पूरे देश के अंदर श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इसी तरह डॉक्टर पायल तड़वी जी जो कि मुंबई के अंदर जो मेडिकल स्टूडेंट थी, डॉक्टर नेशनल जो वहाँ पर जो हमारा स्कूल ये है मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पर इनकी जो इन्होंने सुसाइड किया था। इसके साथ प्रोफेसर हमारे चंद्रशेखर जी, इन तीनों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है। तो आज इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा बहुजन समाज जो जहाँ पर जीतने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इसके साथ ही आज हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारी सपोर्ट एक्सटेंड होगी हमारे डॉक्टर रितु को, डॉक्टर रितु सिंह को, और उसके साथ हमारे डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को, जो जिस तरह उनको टर्मिनेट किया गया, जिस तरीके से उनको टर्मिनेट किया गया है, हम उसकी निंदा करते हैं। चाहे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की बात करें, डॉक्टर रितु सिंह की बात करें, जिस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए रितु सिंह को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर से जिस तरह उनका टेंट उखाड़ा गया, वहां पर उनकी जो बिलोंगिंग थी, जितना भी उनका सामान था, डॉक्यूमेंट थे, सारी पुलिस उसके साथ, आज आप ये अंदाजा लगाइए कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जो राइट टू प्रोटेस्ट है हमारा उसकी भी वायलेशन की जा रही है, और ज़बरदस्ती आज हमारा गला घोटने वाली बात की जा रही है कि ये अपनी बात भी ना रखता है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका भी उल्लंघन हो रहा है। आज हमें अपना हक है, आज कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमें हक है अपनी बात रखने का, प्रोटेस्ट करने का हमें राइट है, लेकिन जो भी अम्बेडकर राइट होगा और जो अपने हकों की बात करेगा, ये गवर्नमेंट उसे उखाड़ के उसे टर्मिनेट कर गई, उसे उखाड़ के दूर फेंकेगी। और इसी तरह ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर जो है होते रहेंगे। आज डॉक्टर पायल तड़वी की बात करें, जो टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज है मुंबई के अंदर, वहाँ पर ये पीजी स्टूडेंट थी, तो जहाँ पर इसे इतना हरास किया तो इसने सुसाइड कर लिया। इसी तरह प्रोफेसर चंद्रशेखर की बात करें, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर सितंबर 2022 में इनका इंस्टीट्यूशन मर्डर हुआ, तो आज तक इनको इंसाफ नहीं मिला है। जो डॉक्टर नीता इनकी वाइफ हैं, दो बच्चे उसके हैं, आप छोटे छोटे दो बच्चे हैं, आज मुझे बताओ उसे कौन उसका हाल पूछ रहा है। चांसलर एलजी साहब उसके चांसलर हैं, जबकि वो दे सकते उसे नौकरी दे सकते, लेकिन आज तक नौकरी नहीं दे पाए हैं, और दर्द दर्मचारी हो रही है। वो भी डॉक्टर है, पीएचडी है, लेकिन फिर भी इतना क्या है, एजुकेशन होने के बाद भी उसे नौकरी नहीं दी जा रही है। तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर जो हो रहे हैं, आज जिस भी यूनिवर्सिटी की बात करें, पहली बात यह है कि आज रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हो गई है। एक हमारे डॉक्टर एंड सुकुमार हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है इसी के ऊपर, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूशन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़, ये उन्होंने पूरी बुक लिखी है कि इनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी है, इन यूनिवर्सिटी में कितनी है, जो है भी वो किस तरह उनको टर्मिनेट किया जा रहा है, ये पूरे देश के अंदर हो रहा है। ये बहुत ही घिनौनी हरकत है, और बहुजन समाज से किसी भी कीमत पर से बर्दाश्त नहीं करेगा।